नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारे ऑल इंडिया मंथली करंट अफेयर की श्रृंखला में। दोस्तों ये जो सीरीज है, जो पूरी श्रृंखला है, इसमें हम ऑल इंडिया के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं फॉर दी क्विक रिविजन, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट हमारे सारे जो करंट अफेयर हैं उनका क्विकली रिविजन हो सके। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को मंथली कवर कर रहे हैं और मंथली के साथ साथ हम उनको सेक्शन वाइज कवर कर रहे हैं, बैंकिंग, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, स्पोर्ट, डिफेंस, तो इस तरीके के करंट अफेयर को सेक्शन में कर रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पे जो करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं दैट इज फैक्चुअली, कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं स्पेशली एग्जाम के लिहाज से उनको कवर कर रहे हैं, ना हम उनकी एनालिसिस कर रहे हैं ना ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, बस फैक्ट को उठा रहे हैं और याद कर रहे हैं सो दैट कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर को कवर कर सकें। एज फार एज आज के लेक्चर की बात है तो आज का ये जो लेक्चर है वो अप्रैल 2019 के लिए डेडिकेटेड है और ये अप्रैल 2019 के ऊपर हमारा सेकेंड पार्ट है। टोटल तीन पार्ट पब्लिश करने करूंगा, जिसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है एंड दिस इज गोइंग टू बी दी सेकेंड वन। जो लोग भी आप में से इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको दो तीन बातें याद रखनी है। सेम लेक्चर को दो से तीन बार देखिए फॉर दी मैक्सिमम आउटपुट। जब भी लेक्चर देखें तो पूरा फोकस होना चाहिए लेक्चर देखने पर, ना कि नोट्स बनाने पर। नोट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसके नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, straightzero.in पर। उसके अलावा इसकी मैं कोशिश करूंगा लिंक आपको दे दूं नीचे सो दैट आप क्विकली एक्सेस कर सकें। दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज है, पूरी श्रृंखला है, वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, ठीक है, टू सम एक्सटेंट एसएससी या स्टेट पीएससी, जैसे कि राजस्थान पीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, सबके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो आप में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान होकर देखिए इसको। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, हियर इट इज़ अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट मी, माय नेम इज़ आलोक गुप्ता एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस स्लाइड टू नो मोर अबाउट मी। तो दोस्तों बात करते हैं आज हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वाला इंटरनेशनल स्पेसिफिक हमारा ऑलरेडी कवर हो गया था, इंडिया एंड वर्ल्ड ऑलरेडी कवर हो गया था। आज का जो ये लेक्चर हम शुरू करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के साथ, कुछ ऐसे बड़े बड़े अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे रैंक और रिपोर्ट, जो कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, रैंक्स होती हैं इंडिया की, उसको जानना ज़रूरी है। ऐसे इंपॉर्टेंट डेज जो अप्रैल महीने में फॉल करते हैं उनके बारे में जानेंगे। स्पोर्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखेंगे हम लोग कि स्पोर्ट की फील्ड में क्या हुआ अप्रैल के महीने में। अवार्ड एंड ऑनर्स, कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स या ऑनर्स दिए गए तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। एंड एट लास्ट बात करेंगे कुछ ऐसे महान भाव की जिनकी डेथ हुई अप्रैल के महीने में। तो इसी के साथ लेक्चर शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दो तीन बात हमेशा की तरह कि प्लीज़ और प्लीज़ अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करो इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू पुट ऑल दीज एफर्ट्स फॉर यू गाइज। जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके जवाब दीजिए। सेकेंड थिंग इज कि प्लीज़ आपके पास अगर कोई सजेशन है जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस एनहेंस किया जा सकता है तो प्लीज़ आप अपने सजेशन शेयर करिए मेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू। एंड एट लास्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिव्यू दिस लेक्चर। जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है तो प्लीज़ आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, लाइक, डिसलाइक या कॉमेंट करके बता सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आज का लेक्चर जो हम शुरू करेंगे वो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन वाले सेक्शन से शुरू करना है हमें। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव का चार्ज संभाला गया है मनु सोहाने के द्वारा। मनु सोहाने कौन है? ये पहले मीडिया प्रोफेशनल रहे हैं और फॉर्मर ESPN स्टार स्पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं मनु सोहाने। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। इन्हीं के साथ साथ इसी पद पर रहेंगे डेव रिचर्डसन भी, अभी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो जुलाई में हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आईएलएनएफएस, ये काफ़ी न्यूज़ में थी धांधलियों के चक्कर में, ये कंपनी है, ठीक है। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है CS रंजन को। किसको? CS रंजन। आईएलएनएफएस ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ CS रंजन का एज अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है? नाम याद करते जाइए, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेविड मालपास को वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाम याद रख लो, डेविड, मेरे साथ बोल लीजिए डेविड मालपास। इनके नाम में ही माल है तो बस पैसे को माल बोलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक में पैसे का कौन ध्यान रखेगा? डेविड मालपास, जो वर्ल्ड बैंक का 25 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उन्होंने इनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए अनएनिमसली, मतलब सर्वसम्मति के साथ इनको पास कर दिया है।
ग्राहम रीड को अपॉइंट किया गया है इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच. अगेन इंपॉर्टेंट, किसको? ग्राहम रीड. ये ऑस्ट्रेलिया के हैं ग्राहम. तो मेरे साथ बोल लीजिए, ग्राहम रीड को इंडिया की जो हॉकी मैन हॉकी टीम है ना, उसका कोच बना दिया गया है. कब तक रहेंगे ये? टिल द एंड ऑफ 2020. ही वॉज द पार्ट ऑफ सिल्वर मेडल विनिंग ऑस्ट्रेलियन टीम एट 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स. विक्रमजीत सहानी को अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICC इंडिया. ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के नए प्रेसिडेंट हैं विक्रमजीत सहानी. क्लियर है? सन ग्रुप के फाउंडर हैं और चेयरमैन भी हैं विक्रमजीत सिंह सोहाने. उन्हीं को इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट. तो विक्रमजीत सहाने को याद रखें, ग्राहम रीड को याद रखें, डेविड मालपास को याद रखें. अब्देल कादिर वेन सलाह को अपॉइंट किया गया है अल्जीरिया का नया प्रेसिडेंट. अब ये दूसरी कंट्री है और उनके प्रेसिडेंट हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी जान लीजिए अब्देल कादिर वेन सलाह को अल्जीरिया का नया प्रेसिडेंट बनाया है. यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है ये, आप ये बताइए अल्जीरिया जो है वो किस कंट्री, पहले तो बताओ किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है अल्जीरिया, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इसकी कैपिटल क्या है. ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. आगे चलते हैं. विक्रम नाथ को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विक्रम नाथ जो कि सीनियर मोस्ट जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको अब बना दिया गया है चीफ जस्टिस. कहाँ का? आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का. ये जो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं प्रवीण कुमार, आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस जो अभी एक्टिंग हैं, उनको रिप्लेस करेंगे. बेंजामिन नेतन्याहू को रीइलेक्ट कर लिया गया है एज अ इजरायली प्राइम मिनिस्टर के तौर पर. ये पांचवीं बार के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं और ये इसराइल के लॉन्गेस्ट सर्विस प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू. तो इनको तो वैसे भी आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, सुना होगा, तो वेरी इजी टू रिमेंबर. आगे चलते हैं. गर्गी कॉल को डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है. डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया किसको? गर्गी कॉल. जैन माइकल लेपिन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ हायती बनाया गया है. जैन माइकल लेपिन, अगेन दूसरी कंट्री है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हायती की लोकेशन जानना, कॉन्टिनेंट जानना, किस ओशीज में आता है वो जानना, वो आपको जरूरी है. मोहम्मद इस्ताहे को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन. मोहम्मद इस्ताहे. रविंद्र कुमार पासी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ EPCH. EPCH क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट के चेयरमैन के तौर पे रविंद्र कुमार पासी को अपॉइंट किया गया है. पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है शेरी चहल को एज अ ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. किसको? सैरी चहल को. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट बैंक ग्रुप इंटरनेशनल CFO बनाया गया है आलोक शर्मा को. सॉफ्ट बैंक ग्रुप के जो इंटरनेशनल CFO थे आलोक शर्मा, वो उन्होंने अपना ये पद छोड़ दिया है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं आसानी से. यूक्रेनियन कॉमेडियन वोल्दोमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंसी जीत ली है. ठीक है, तो अब ये कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं पेट्रो पोरोशेंको, उनको सक्सीड करेंगे. राजेंद्र कुमार नायक 52nd CGDA बनेंगे, 52nd कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट. कौन बनेंगे? राजेंद्र कुमार नायक. नाम में ही नायक है तो याद रख लेना ये किसी डिफेंस वगैरह की चीज़ से रिलेटेड है. राजेश कुमार यदुवंशी को पंजाब नेशनल बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है. टोटल 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं PNB में, इनके अलावा 2 कौन हैं? LB प्रभाकर एंड AK आजाद. राजेश कुमार यदुवंशी पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बोर्ड पर आ चुके हैं, जो कि 15 अप्रैल से इफेक्ट में आ गया था. माली के प्राइम मिनिस्टर सोमिलो बाओवे मीगा ने रिज़ाइन कर दिया है. माली के प्राइम मिनिस्टर सोमिलो बाओवे मीगा ने रिज़ाइन कर दिया है. बिपिन आनंद LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे चार्ज लिया है उन्होंने. बिपिन आनंद LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर. कुछ और भी न्यूज़ हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन में, जैसे कि नजमा अख्तर पहली महिला बन गई हैं एज अ वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की. ठीक है, तो ये पहली महिला हैं 99 साल की हिस्ट्री में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये पहली महिला हैं जो कि वाइस चांसलर बनी है, नजमा अख्तर.
बीके नायक, अपॉइंटेड एज FIH हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी चेयर. बीके नायक यानी बीहू कल्याण नायक को फ्रॉम उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी बाय द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी. मैकेफे अपॉइंटेड संजय मनोहर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया. मैकेफे एक एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी, यूएस बेस्ड डिवाइस टू डिवाइस क्लाउड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, जिसने संजय मनोहर को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया. डूशे बैंक ने अपॉइंट किया है कौशिक सपारिया को एज अ न्यू इंडिया हेड. डूशे बैंक ने अपॉइंट किया है कौशिक सपारिया को न्यू इंडिया हेड के तौर पर. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. विनोद जुस्सी को अपॉइंट किया गया है स्पेशल ऑब्जर्वर फॉर त्रिपुरा. विनोद जुस्सी जो हैं वो फॉर्मर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और इनको अपॉइंट किया गया एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर फॉर त्रिपुरा वाइल दी लोकसभा पोल्स इन त्रिपुरा ईस्ट. मनीष महेश्वरी को अपॉइंट किया गया है ट्विटर इंडिया MD. ट्विटर आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है तो इसलिए ये भी बहुत न्यूज़ में है. मनीष महेश्वरी को अपॉइंट किया गया है ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर. शिवदास मीना को अपॉइंट किया गया है NBCC. NBCC क्या है? नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन, उसके CMD के तौर पे यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. किसको? शिवदास मीना जो कि एडिशनल सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, उनको चेयरमैन बना दिया गया NBCC का. एयर मार्शल RKS राकेश कुमार सिंह भदौरिया को IAF का वाइस चीफ बना दिया है. IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ बना दिया गया है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को. क्विक रिवीजन करवा देता हूं सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए कौन अपॉइंट हुआ है? मनु सुहाने. CS रंजन को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है IL&FS का. डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राम रीड इंडियन मेन्स हॉकी टीम के कोच. विक्रमजीत सहाने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के प्रेसिडेंट. अब्देल कादेर वेंसाला को अल्जीरिया का प्रेसिडेंट बनाया गया. विक्रम नाथ को चीफ जस्टिस बनाया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का. बेंजामिन नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे फिफ्थ बार प्राइम मिनिस्टर बने इसराइल के. गर्गी कॉल डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी. जेन माइकल लेपिन हयाती के प्राइम मिनिस्टर बने हैं. नजमा अख्तर वेरी इंपॉर्टेंट, जानिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर. बीहू कल्याण नायक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में ये जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है उसके चेयर करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे. मोहम्मद इस्तेहा ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं फलस्तीन के. संजय मनोहर मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया मैकेफे, संजय मनोहर. रविंद्र कुमार पासी ये EPCH यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के चेयरमैन हैं. कौशिक सपारिया डूशे बैंक के इंडिया हेड हैं. श्री चहल पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शुमार हुए हैं ये. आलोक शर्मा ने रेजिग्नेशन दिया है सॉफ्टबैंक ग्रुप इंटरनेशनल से. विनोद जुस्सी ने को स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया था त्रिपुरा इलेक्शंस का. वोलोदाइमर जेलेंस्की को यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनाया गया है. उसके बाद मनीष महेश्वरी जो है वो MD है इंडिया के, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया के लिए, किसके लिए? ट्विटर के लिए. बिपिन आनंद LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर. सोम्योलो बूबे माइगा ने रिजाइन किया है माली के प्राइम मिनिस्टर्स के तौर पे. राजेश कुमार यदुवंशी पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. शिवदास मीना CMD NBCC. राजेंद्र कुमार नायक 52nd कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट. अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रैंक एंड रिपोर्ट. कुछ ऐसी रिपोर्ट्स या रैंक इंडिया की जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर इंडिया का इकलौता इंस्टीट्यूट है जो कि QS EMBA रैंकिंग 2019 में आया. ठीक है, ये 12th रैंक पे है APAC की लिस्टिंग में और 61st ग्लोबली है इन QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग में. नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इंडिया की रैंक है 18 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में. कितनी रैंक है? 80. टोटल कितनी कंट्रियों को इसमें रैंक किया गया? 125, जिसमें से इंडिया का नंबर आया 80. और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक है 80. इस साल की थीम थी इस रिपोर्ट की इंटरप्रेन्योरियल टैलेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. ये बताइए ये जो इंडेक्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. इंडिया की जो रैंक है वो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 17वीं है.
स्टार्टअप ब्लिंक इंडिया मूव्ड अप टू द 17th पोजीशन इन 2018 फ्रॉम 37th स्पॉट लास्ट ईयर। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 में इंडिया की जो रैंक है दैट इज 17th, विच इज रियली वेरी ग्रेट। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो एकदम तैयार है इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है उनको रैंक करने के लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में इंडिया की जो रैंक है वो दो स्थानों से नीचे चली गई है। याद रखना इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिलीज की जाती है। इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 140 भी आई है। टोटल कितनी कंट्रियाँ रैंक की गई थी, 180। ये 2019 के लिए है। अगर हम बात करें 2018 में तो कम एटलीस्ट 6 इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं उनकी डेथ हुई थी इन कनेक्शन विद देयर वर्क 2018 में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिया का जो स्थान है वो दो स्थानों से नीचे हो गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ऐसा बोला जा रहा है कि विल ग्रू, जो ग्रू हुई है 1.2% से एवरेज एनुअल रेट बिटवीन 2010 से लेकर 2019। तो अभी जो एक्सपेक्टेड ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया की जनसंख्या है दैट इज 1.36 बिलियन। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट बाई UNPF। तो ये भी एक चीज याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट ये किसके द्वारा आती है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019 जो कि FAO के द्वारा रिलीज की जाती है। FAO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड EU के द्वारा कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019, जिसने ये बताया है कि 53 कंट्रीज में कम से कम 113 मिलियन लोग हैं जो कि एक्यूट हंगर के शिकार हैं 2018 में। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019 किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो ये है FAO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड EU के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 2008 में। 2019 वाला जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है उसकी थीम क्या थी, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस को सेलिब्रेट किया गया 4 अप्रैल को और इसकी थीम है यूनाइटेड नेशन प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेफ ग्राउंड एंड सेफ होम। अप्रैल 6 को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस अप्रैल 6 को, ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है किस चीज का, कि स्पोर्ट की क्या पावर है टू ड्राइव सोशल चेंज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड टू फॉस्टर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस किस तारीख को, अप्रैल 6 से याद रखना, छक्का लगता है स्पोर्ट में क्रिकेट में तो इससे याद रह जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2019 को सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सिंपल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रैल 10 को सेलिब्रेट किया गया और ये सेलिब्रेट होता है जो होम्योपैथी के फाउंडर माना जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हेनमैन को। इस बार 2019 की थीम थी लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस तारीख को सेलिब्रेट होता है, अप्रैल 10 वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये अप्रैल 17 को सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है प्रॉपरली। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे अप्रैल 17, इस बार की थीम थी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन, आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 18 को, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 18 को, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 18 को और इस बार की थीम थी रूरल लैंडस्केप्स। इंडिया में अगर हम बात करें एज ऑफ 2018 तो टोटल 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कितनी, टोटल 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। प्लीज गो थ्रू दी कंप्लीट लिस्ट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड लीवर डे अप्रैल 19 को सेलिब्रेट किया गया, अवेयरनेस फैलाई गई अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर।
ऐसा माना जाता है WHO के द्वारा कि जो लीवर डिसीजेज हैं ये 10th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में. लीवर डिसीजेज आर दी 10th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. अप्रैल 23 जो है वो यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया. इंग्लिश लैंग्वेज डे अप्रैल 23 ये एक तरीके से मार्क करता है बर्थ एंड डेथ डे ऑफ विलियम शेक्सपियर. अप्रैल 23 याद रखना. इंग्लिश इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज और द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ मॉडर्न एरा. नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 24. नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 24 वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी दिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिसके बाद हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट को कमेमोरेट इसी दिन इनेक्ट हुआ था. तो उस दिन को इनेक्ट करेक्ट को क्या कहते हैं कमेमोरेट करने के लिए 24 तारीख को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. अप्रैल 24 से लेकर अप्रैल 30 वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक. अप्रैल 23 वर्ल्ड मलेरिया डे 2019 ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड. अप्रैल 25 को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड मलेरिया डे. अप्रैल 25 वर्ल्ड मलेरिया डे. इस बार की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी. सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो मलेरिया के केसेस में कंट्रीब्यूट करने वाली कंट्रीज हैं तो उसमें आती है नाइजीरिया, कॉन्गो, मोजाम्बिक, इंडिया एंड उगांडा. तो इंडिया भी है वन ऑफ द कंट्री विच कंट्रीब्यूट नियरली हाफ ऑफ द मलेरिया केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अप्रैल 26 को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. अप्रैल 26 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. इसमें एक तरीके से इस दिन ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनकरेजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. 2019 के लिए जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम थी वो थी रीच फॉर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट्स. इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेट किया गया 30 अप्रैल को. जैज एक म्यूजिक का फॉर्म है तो उसका है 2019 एडिशन वुड बी लॉन्च्ड इन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया बाय यूनेस्को. अप्रैल 12 को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. अप्रैल 12 इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज डे. अप्रैल 21 इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज डे जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं. इसी दिन इट वॉज ऑन दिस डे ओनली दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस द फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया. वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे दैट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21st अप्रैल. वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे. अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2019 को सेलिब्रेट किया गया. अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे. इसी साल यूनेस्को ने शारजाह को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर दी वन ईयर पीरियड के लिए सिलेक्ट होता है तो शारजाह को वर्ल्ड बुक कैपिटल भी बनाया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये अप्रैल 24 को सेलिब्रेट किया गया. वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस अप्रैल 24. सारे इंपॉर्टेंट डेज की एक टेबुलर फॉर्म यहाँ पे है फॉर योर क्विक रिवीजन. 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे. 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस. और बाकी की भी लिस्ट आपके सामने है. आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. 6 अप्रैल है स्पोर्ट वाला. 7 हेल्थ डे है. 10th इज होम्योपैथी डे. 12th अप्रैल इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. फाइन 17, 18 तो ये सारे देख लीजिए. इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. अब बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की. कुछ स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज जो एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है. रॉजर फेडरर ने जॉन इश्नर को हरा दिया मियामी ओपन 2019 में. रॉजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड से, एक बात तो ये याद रखना. और इन्होंने मियामी ओपन 2019 को जीत लिया है. अगर हम बात करें मियामी ओपन में वुमेन्स की तो जो एशली वाल्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया बाय डिफीटिंग कैरोलिना प्लिस्कोवा. इंडियन शूटर्स ने 16 मेडल जीते एंड एट एशियन एयरगन चैंपियनशिप में इंडियन शूटर ने 16 गोल्ड मेडल जीते. विक्टर एक्सेलसन ने बीट किया श्रीकांत को टू विन इंडिया ओपन 2019. विक्टर एलेक्सन ने किदाम्बी श्रीकांत को हराया बैडमिंटन में टू विन इंडियन ओपन 2019. वुमेन सिंगल में बात की जाए तो थाईलैंड की रेच नॉक इंटेनॉन
ने क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग दी फर्स्ट वुमेन सिंगल शटलर टू विन दी टाइटल 3 times बीटिंग ही विंग जियो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ओपन 2019 के बारे में है। लिंडेन ने मलेशिया ओपन टाइटल जीत लिया है। लिंडेन ने मलेशिया ओपन टाइटल जीत लिया। ये चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर हैं लिंडेन। केंटो मोमाटा एंड थाई जू यिंग शैनसिन सिंगापुर ओपन 2019। जापान के केंटो मोमाटा ने इंडोनेशिया के एंटोनी सिनी सूका जियांटी को हराया है। देखिए ये जितने भी ओपन्स हैं ना, सिर्फ 4 ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, तो वो वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम लोग ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जानते हैं, विंबलडन, तो वो वाले आप स्पेशली देखिए। बाकी ये वाले तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से बस प्लेयरों के नाम देखते जाइए। हर्षिल दानी ने डच ओपन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। ये इंडियन शटलर हैं हर्षिल दानी। बजरंग पुनिया ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। बजरंग पुनिया कौन है? स्पोर्ट्स पर्सन है, कौन है? बॉक्सर हैं, ये जानना जरूरी है। विनेश साक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो बस यहाँ से ये याद रखना। विनेश फोगाट और उसके अलावा साक्षी मलिक ने, ये दोनों, साक्षी मलिक को तो अच्छे से जानते होंगे, तो ये बॉक्सर्स हैं। नेक्स्ट इज जापान के केंटो मोमाटा ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप मेंस टाइटल भी जीता है। केंटो मोमाटा ने, ठीक है, फाइन। इंडिया ने 3 gold 1 silver जीता एट ISSF वर्ल्ड कप 2019। ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, ये जो एडिशन था ये हो रहा था चाइना में, ये चाइना में हो रहा था इस बार। इंडिया क्लिंच 2 golds इन दी 10 meter एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन एक कार ड्राइवर हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। टाइगर वुड्स ने 5th Masters को जीत लिया है। टाइगर वुड्स क्या हैं? वो गोल्फ खेलते हैं, राइट, तो गोल्फर हैं ये। पंकज अडवाणी ने इनॉग्रल एशियन स्नूकर टूर टाइटल जीत लिया। पंकज अडवाणी स्नूकर हैं, इंडियन स्नूकर प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अभिषेक वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है बीजिंग वर्ल्ड कप। अभिषेक वर्मा कौन है? ये एक शूटर हैं, शूटिंग करते हैं, बस इतना याद रखिए। वॉल्टरी बोटास ने लुइस हैमिल्टन को हरा दिया एट अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स। तो ये जो वॉल्टरी बोटास हैं वो मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं और फिनलैंड के हैं ये। सर्विसेज डिफीटेड पंजाब टू विन संतोष ट्रॉफी 2019। द सर्विसेज लिफ्टेड दी 73rd संतोष ट्रॉफी आफ्टर बीटिंग पंजाब इन दी फाइनल एट लुधियाना। पिकेश थापा स्कोर दी विनिंग गोल। दिस इज देयर 6th टाइटल विन। सर्विसेज इज द इंडियन फुटबॉल टीम रिप्रेजेंटिंग आर्म फोर्सेस पर्सोनिल। ठीक है, तो याद रखना संतोष ट्रॉफी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो प्लीज़ याद रखना ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और कि कौन जीता 2019 का टाइटल, तो ये सर्विसेज की टीम जीती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अवार्ड्स। तो एलिस जी वैद्यान को वुमेन CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एलिस जी वैद्यान जो हैं वो CMD हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इनको CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया एट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ ET प्राइम वुमेन लीडरशिप अवार्ड्स इन मुंबई। ठीक है, एलिस जी वैद्यान कौन है? तो बस याद रखें GIC की ये मैनेजिंग CMD हैं। विक्रम पटेल को अवार्ड दिया गया ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया विक्रम पटेल को। ये पहले इंडियन है टू बी अवार्डेड 2019 जॉन डिर्क्स कैनेडा गर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, जीतने वाले पहले इंडियन विक्रम पटेल। इंडियन ऑयल जो है उसको IMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग PSU। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को प्रेस्टिजियस IMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 का अवार्ड दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग PSU। इमेज ऑफ क्राइंग टॉडलर ऑन US मेक्सिको बॉर्डर हैज won द वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। मतलब एक क्राइंग टॉडलर की इमेज फोटो जो US मेक्सिको बॉर्डर के पे खींची गई थी उसको वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दिया गया। ये जो इमेज थी एक छोटी सी बच्ची रो रही है हेल्पलेसली, उसकी फ़ोटो थी। एस शी एंड हर मदर आर टेकन इनटू कस्टडी बाय US बॉर्डर ऑफिशियल्स वॉन दी प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। मलयालम फिल्म भयानकम
won the Best Cinematography Award at Beijing International Film Festival. भयानकम मलयालम फिल्म है जिसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. ऑल इंडिया रेडियो पब्लिक डिवीजन एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया विन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2019. स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड किसको दिया गया? AIR का, जो ऑल इंडिया रेडियो पब्लिक डिवीजन एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया को. साइंटिस्ट डॉक्टर AK सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसके दौरान? 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान साइंटिस्ट डॉक्टर AK सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. टीना ठक्कर को मिला सिटी जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड. टीना ठक्कर को सिटी जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया. सिटी जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड टीना ठक्कर किस फील्ड से रिलेटेड हैं? जर्नलिज्म से. इंडिया एडटेक स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन वॉन दी नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. तो सारे जितने भी अवार्ड्स दिए गए वो आप एक बार देख लीजिए. LSG बैद्यान CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया. विक्रम पटेल ग्लोबल हेल्थ अवार्ड. IIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड IOC को बेस्ट PSU के लिए. डॉक्टर AK सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ठीक है, जॉन मूर को वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दिया गया फॉर जो उनकी इमेज थी जो उन्होंने खींची थी इंडिया मैक्सिको बॉर्डर पे. जॉन मूर को दिया गया. टीना ठक्कर सिटी जर्नलिस्टिक एक्सेलेंस अवार्ड. मलयालम फिल्म भयानकम को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड दिया गया. ऑल इंडिया रेडियो पब्लिकेशन डिवीजन एंड दी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया को स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड दिया गया. अब बात करते हैं ओबिचोरी सेक्शंस. कुछ ऐसे महान लोग जिनकी डेथ हुई है अप्रैल के महीने में, जैसे फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर पुंगम कानन की डेथ हुई 80 साल की एज में. इन्होंने इंडिया के लिए 14 मैच जीते एंड वॉज दी फॉर्मर मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल फॉरवर्ड. ही वॉन संतोष ट्रॉफी फॉर बंगाल ट्वाइस. तो याद रखना ये पुंगम कानन कौन है? एक फुटबॉलर थे. रेनाउंड ड्रामेटिस्ट कार्तिक रथ की भी डेथ हुई. तो डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कार्तिक रथ कौन थे? तो ये एक ड्रामेटिस्ट थे, थिएटर ऑर्गेनाइजर भी थे, प्ले राइटर भी थे. तो प्लीज़ याद रखना इन्होंने 100 से ज़्यादा प्लेज लिखे हैं. इकोनॉमिस्ट डॉक्टर बिहारी दास गोपाल दास पटेल की भी डेथ हुई. बिहारी दास गोपाल दास पटेल ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इनको नॉर्मली फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के तौर पे माना जाता है. ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है. फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कौन है? डॉक्टर बिहारी दास गोपाल दास पटेल. इकोनॉमिस्ट थे, पद्मश्री थे. ठीक है, फॉन्डली नोन एज VG. तो याद रखना. नेक्स्ट इज फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर एस के शिव कुमार की डेथ हुई. ये इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट रहे हैं. फॉर्मर पॉलिटिशियन फ्रीडम राइटर एंड जर्नलिस्ट परीपुर आनंद पैनोली की भी डेथ हुई. इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बना लेते हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक स्लोगन दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा. वो स्लोगन क्या था? मास्टर क्रॉनिकलर ऑफ मद्रास एस मुथैया की भी डेथ हुई. ये क्रॉनिकलर यानी कहानी कारक थे और राइटर और जर्नलिस्ट भी थे एस मुथैया, जिनकी डेथ हुई. अमेरिका की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट जेरी कॉप की भी डेथ हुई. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. लेजेंडरी बंगाली फोक सिंगर अमर पाउल की डेथ हुई. तो ये क्या कहते हैं इनको, संगीत नाटक अकेडमी का भी अवार्ड मिला था. तो प्लीज़ याद रखना अमर पाउल, क्योंकि कल्चरल पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो लेजेंडरी बंगाली फोक सिंगर अमर पाउल. नोबल लॉरिएट सिडनी ब्रिनर की भी डेथ हुई. नोबल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट थे सिडनी ब्रिनर, तो जिन्होंने डेसिफर किया था जेनेटिक कोड को, तो ये बहुत बड़ी बात थी. तो नोबल लॉरिएट सिडनी ब्रेनर की डेथ हुई. नोटेड तमिल मूवी डायरेक्टर जे महेंद्रन की भी डेथ हुई. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. वेटरन कम्युनिस्ट लीडर ध्रुपद बोरगोहेन की डेथ हुई. नॉट इंपॉर्टेंट. रेनाउंड हिंदी पोएट प्रदीप चौबे की डेथ हुई. थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेना. ये हिंदी पोएट हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, सटायरिस्ट हैं, पोएट हैं, तो देख लेना. माउंटेनियर रमा सेन गुप्ता पॉल की डेथ हुई. ठीक है, तो ये माउंटेनियर थी रमा सेन गुप्ता पॉल. मार्क मेडोफ जो कि एक एक्लेम्ड ऑथर हैं, जिन्होंने एक प्ले लिखा है चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड,
जिनको टोनी अवार्ड भी मिला है फॉर बेस्ट प्ले 1980s, टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले, ऑस्कर मिला है फीमेल 1986 में इस प्ले के ऊपर मूवी बनाई गई जिसमें फीमेल लीड को ऑस्कर मिला था, तो मार्क मेडॉफ, ठीक है। वेटरन केरला पॉलिटिशियन के एम मनी की डेथ हुई, नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर्मर इथोपियन प्रेसिडेंट निगासो पिडाडा की डेथ हुई, नॉट इम्पॉर्टेंट। पुंगम कानन फुटबॉलर, कार्तिक चंद्र रथ ड्रामेटिस्ट, विहारी दास गोपालदास पटेल इकोनॉमिस्ट, एस के शिव कुमार इसरो साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर, परीपुर आनंद पैनौली पॉलिटिशियन फ्रीडम फाइटर एंड जर्नलिस्ट, एस मुथैया राइटर एंड जर्नलिस्ट, जेरी कॉब एस्ट्रोनॉट, अमर पॉल बंगाली फोक सिंगर, सिडनी ब्रीनर नोबल प्राइज लॉरिएट, जे महिंद्रन तमिल मूवी डायरेक्टर, ध्रुपद बोरगोहेन कम्युनिस्ट लीडर, प्रदीप चौबे हिंदी पोएट, रमा सेन गुप्ता पॉल माउंटेनियर, मार्क मेडॉफ ऑथर, के एम मनी पॉलिटिशियन, निगासो गिडाडा प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया? तो प्लीज़ आप इसी लेक्चर को देखिए, 2 से 3 बार देख लेना, नोट्स वगैरह मत बनाओ। इसकी लिंक वगैरह आपको दे दी है और स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे ऑलरेडी है। जो क्वेश्चन पूछे उनके जवाब देने की कोशिश करना। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? वो है आपका स्कीम्स। स्कीम्स वाला सेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, तो दोस्तों आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने काफ़ी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे जो भी करंट अफेयर हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे और याद हो गए होंगे। आपको क्या करना है, अब सेम वीडियो को दो से तीन बार देखना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के लिए इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो करंट अफेयर मैंने कवर किए हैं वो कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किए हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। कोई क्वेरी आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज माय नंबर ऑन विच यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप अपने सजेशन भी हम तक भेज सकते हैं, मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, मेल के थ्रू या कमेंट के थ्रू। इस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज डू टेल अस। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दस विदानिया।